14 मार्च को ठंडा खाना बनाया जाएगा और हम लोग 14 मार्च की रात को 12 बजे पूजा करेंगे और 15 के दिन हम लोग ठंडा खाना खाएंगे। मैम जी, मेरे परदादी ससुर जी ने अपनी माँ के याद में, मेरे परदादी ससुर जी श्री कान मलसा लोढ़ा ने अपनी माँ सेठानी गुलाब कंवर जी लोढ़ा के याद में ये इस मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसा कहते हैं कि वे नागौर से शीतला माता की मूर्ति लेकर आए और उसको बाद में यहाँ पे प्रतिष्ठा कराई गई। और बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से, 3-4 पीढ़ियों से ये ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि चलता आ रहा है ऐसी परंपरा कि रात को 12 बजे हमारा परिवार और पूरा लोढ़ा परिवार इकट्ठा होकर के और पहले शीतला माता को भोग लगाता है और पूजा अर्चना करता है और उसके बाद में सभी श्रद्धालु वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। 2 दिन का वहाँ पर मेला भरता है। पूरा सुभाष उद्यान के सामने वाली रोड पर पूरे कई सारी दुकानें लगती हैं, झूले की, पकवान की या किसी भी तरह की लोग दुकानें लगाते हैं और सभी मेले में पूजा अर्चना करते हैं और उस मेले का आनंद उठाते हैं। और शीतला माता की ऐसी परंपरा मानी गई है कि उनको ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है ताकि घर में कोई भी चिकन पॉक्स या कोई भी ऐसी तरह की बीमारी बच्चों को या किसी को नहीं लगे और सभी कौम के लोग, सभी श्रद्धालु लोग इसी परंपरा को निभाते हुए वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वहाँ पर महिलाएं कहानी सुनती है और पारंपरिक रूप से माता जी की पूजा करते हैं। कितने सालों से मैम ये परंपरा चलती है? साल तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, फिर भी कई पीढ़ियाँ, मतलब मेरे पर दादी ससुर जी ने अपनी माँ के याद में बनाया तो आप सोच सकते हैं कि 4 पीढ़ी, शायद मैं 4th पीढ़ी हूँ कि जो आपको ये अभी बता रही हूँ कि 4थी पीढ़ी के हम लोग हैं। 14 मार्च को ठंडा खाना बनाया जाएगा और हम लोग 14 मार्च की रात को 12 बजे पूजा करेंगे और 15 के दिन हम लोग ठंडा खाना खाएंगे। मैम पूजा क्यों की जाती है, क्या है विषय? पूजा ऐसे तो शीतला माता को, जैसा कि मेरी समझ में, पूरे साल भर लोग धूप लगाने के लिए आते हैं, बहुत मान्यता है। और ये कालाबाग का जो मंदिर है ये भी प्रसिद्ध मंदिरों में, अजमेर के प्रसिद्ध मंदिरों में इसका शुमार है। और माता जी को जल चढ़ाने से और माता जी को ठंडा खाने का भोग लगाने से ऐसा माना जाता है कि जो भी चिकन पॉक्स या जो भी ऐसी इस तरह की महामारी होती है वो हमारे घर में नहीं आती है और हमारे घर में खुशहाली की कामना करते हुए, सुख समृद्धि की कामना करते हुए ये पूजा की जाती है। नाम बताइए। मोनिका लोढ़ा।